रमजान माह के दृष्टिगत मुस्लिम धर्म गुरुओं की बैठक जिलाधिकारी के विजयन पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने कहा कि कोविड-19 वायरस के वैश्विक महामारी से विश्व के सभी देश प्रभावित हैं। कोरोना वायरस का कोई उपचार न होने के कारण इसे फैलने से रोकना ही इसका एकमात्र इलाज है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इंसानी जिंदगी को बचाना ही सबसे बड़ा धर्म एवं जिम्मेदारी सभी धर्म गुरुओं की है। उन्होंने धर्म गुरुओं से कहा कि तरावी के लिए लोगों को मस्जिद में एकत्र ना होने की अपील की जाए और यह भी बताया जाए कि सभी लोगों को रोज़ा खोलने के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी जिससे सामग्री आपके घर के दरवाजे पर ही उपलब्ध हो जाए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा कि पुलिस जनता के साथ है और जनहित के लिए समर्पित है। इस बीमारी से एहतियात ही बचाव है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, नमाज अपने घर में ही अदा करें। बैठक में ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, SP सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव एवं विभिन्न इलाकों से आए मुस्लिम धर्म गुरु मौजूद रहे। तीसरी जो बात है वो ये है कि जहाँ तक हमारी रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस कोट करके कुरान का हवाला देकर हम लोगों ने ये समझाया कि हमारे कुरान की आयत है कि अगर तुमने किसी एक आदमी को नुकसान पहुंचाया तो तुमने का सपोर्ट करते हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त जो भी फैसले ले रही है वो किसी कम्युनिटी को लेकर नहीं बल्कि पूरी कौम और अपना फर्ज निभा रही है। हम इसके बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी बातें सामने आई हैं और वो सारी बातें सब जरूरत की भी हैं और फायदेमंद भी हैं। और मेरा नाम साजिद अली कासिमी और मैं गोरखनाथ थाने के जिला आबाई वतन है और जमी तुलमा हिंद के तहजीब है गोरखपुर हजीब का मैं उसका सदर हूँ और इमामत भी करता हूँ। तो हुकूमत की तरफ से जो भी हिदायात अभी तक आई हैं हम लोगों ने उस पर लोगों को समझाया है और बताया है और कोशिश करते हैं कि उस पर अमल पूरा रहे। अभी हमारे मुफ्ती मुजीबुर्रहमान साहब ने दो तीन बातें मुझे भी वही कह रही थी और वही बातें मुफ्ती मुजीबुर्रहमान साहब ने भी कही हैं, तो हम उसकी तारीफ करते हैं कि शाम में कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि जिसे खजूर है और इस किसी भी फल फ्रूट की दुकानें हैं कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए कि वहाँ तो पहुँच जाए, हर एक के तक वो खरीद लें और उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो ये एक मसला है और ये होना चाहिए भी, हम गुजारिश भी करते हैं और इसी तरीके से हम भरपूर कोशिश करेंगे कि जो है ये लॉकडाउन को कामयाब बनाया जाए और इसमें कामयाबी मिले जल्दी से। और मैं खाना कहते हैं कुछ रहता मैं जिसे ये मटन और चिकन सारी दुकानें बंद हैं, तो हम लोग ये मतलब एक आम धारणा होती है कि अगर मास्क का सेवन किया जाएगा तो रोज़ा रखने में आसानी होती है और स्वच्छता बनी रहती है, स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। तो अगर पॉसिबल हो आपके उसमें आता हो ये असंभव हो तो इस चीज़ को शुरू करा दिया है ताकि ये जो पाबंदी लॉकडाउन पर है हम तमाम लोग उसका पालन करते हैं और मस्जिदों में 4-5 लोग ही हम नमाज पढ़ते हैं और हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि 4-5 के वहाँ अगर कुछ और उसके बढ़ जाए तो सबसे बेहतर है। और दूसरी बात ये है कि रमजान शरीफ के महीने में अगर इफ्तार से पहले
एक घंटा दो घंटा पहले अगर कुमार फसल पहले लग जाए जिससे रोजगारों के उससे काफ़ी सहूलियत होगी। अगर आप रात उस पर नज़र कर दें तो सबसे बेहतर और अच्छा है, और जैसा आपके समझ में आए वैसा आप हुक्म करेंगे, हम उस हुक्म के तमाम उस चीज़ों को हम पालन करते हैं। नहीं होना है उसका एक मुख्य कारण यही है कि ये संक्रमण का जो चेन है इसे हमें तोड़ना है, वो फैलने न पाए। हाट में, बाजार में, एक दूसरे के घर कहीं न कहीं लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर संक्रमण जो है पहले की संभावना होती है, कोई कोई संक्रमित व्यक्ति मिल सकता है। इन्हीं संभावनाओं को रोकने के लिए ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है कि कहीं भी हम इकट्ठा ना हो। है तो कल आपकी तराबी होगी, अगर कल दिखता है तो परसों तराबी होगी। आप सभी जानते हैं कि ये वायरस का बचाव है, यही इसका इलाज है, यही एक जरिया है जिससे इंसानी जिंदगी को बचाया जा सकता है, और सबसे बड़ा धर्म ही इंसानी जिंदगी को बचाना है। उनकी एक अपील है कि हमें तरावी को सही पर पढ़ना है, मस्जिदों में एकत्र नहीं होना है, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग सभी लोगों को करना है। जिनकी आवश्यकता है उसके लिए कुछ पासेस हम लोग जारी कर देंगे, पेटीएम फाइनेंस आप उसके पास जारी करेंगे, तो आप ऐसे लोगों की सूची दुकान की या दे सकते हैं तो ऑनलाइन आपको सप्लाई कर दें। आपको आम जरूरतों के लिए घर से बाहर ना आना। सभी सम्मानित धर्मगुरु जो यहाँ पर आए और मीडिया के आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ। ये बार अगर कहीं पे पास में दिक्कत है और अगर लोकल एरिया में ही आपको अगर वितरण करना है तो उस तरह के लोग आने से भी आपके संपर्क में रह सकते हैं, जब तक उनका पास नहीं है हम टेम्पररी अरेंजमेंट टेम्पररी उनको अलाउ करते हैं। दूसरा, मास्क और आरोग्य सेतु ऐप पर मैं बार बार जोर देना चाहूँगा, आपके माध्यम से बात जाएगी तो कई लोगों तक पहुँचेगी। मास्क के प्रयोग से जो चीज़ 70-80% प्रोबेबिलिटी है वो 1% 1.5% तक चली जाती है, तो इसलिए दोनों पक्षों को मास्क यूज़ करने की आवश्यकता है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, चाहे जो बीमार है या जो स्वस्थ है उनके बीच। और आरोग्य सेतु ऐप हमारे जनपद में लगातार संख्या बढ़ रही है, 3 लाख से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। आप इसको अधिक से अधिक अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप उस क्षेत्र में अगर पढ़ रहे हो जहाँ पर इसकी संभावना ज़्यादा था आपके फ़ोन में अलर्ट आ, तो आपको पता होगा कि हाँ इन क्षेत्रों से हमें बचना है, इन क्षेत्रों में कम जाना है, ज़्यादा जाना है, उसकी एक जानकारी वो एक डेटा बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यही हमारा भविष्य में लॉकडाउन खोलने का में सहयोग भी करेगा, वहाँ हम सैनिटाइजेशन की टीम भेज सके, स्प्रे कर सके, छोटी 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 चीज़ें बहुत बहुत है। यहाँ पर आए हुए सभी हमारे मैं आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत करता हूं, और पिछले कई वर्षों से ये रमजान का महीना, ईद वगैरह सभी शांतिपूर्ण ढंग से गुजरी, कहीं कोई छोटा मोटा इशू भी नहीं रहा है, और पुलिस पूरी तरह से आप लोगों के साथ है। आपने देखा भी, चाहे पिछले 1.5 साल हो रहा है मुझे यहाँ पर कोशिश करते हुए, और हमारा पूरा काउंट रहता है कि आप लोग साथ हम कंधे से कंधा मिला के आप लोगों की सीओ को समझें और आपके साथ आपकी समस्याओं को दूर करें। और आप देख रहे हैं आज 22 तारीख से लगातार हमारे यहाँ गोरखपुर में तो लॉकडाउन चल रहा है, और अभी तक एक भी कोरोना पेशेंट सामने नहीं आया है। ये आप सब की जीत है, ये हम सब की जीत है, ये जो आप लोगों ने इतना काउंट दिया प्रशासन को, और हम पूरी तरह से आपके लिए बने हैं, आपके लिए ही समर्पित हैं, और ये विशेष पर्व है
आपने देखा कि नवरात्र भी नहीं मनाए गए। अगर हिंदुओं की बात करें तो मंदिरों में नवरात्र भी नहीं मने। आपको ही पता है माननीय मुख्यमंत्री जी नवरात्र में आकर के कितना बड़ा यहाँ मंदिर में आयोजन करते, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। और भी बहुत सारे बीच में पर्व पड़े जो नहीं हो रहे हैं। तो इसी तरह से आज की डेट में पूरे विश्व में जो ये महामारी फैली है, कोई देश अछूता नहीं बचा है, ये तो तय बात है। इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी गाइडलाइन आप लोगों से सहयोग शासन को वांछित है कि आप लोगों को जागरूक रखें, अभी भी जागरूक रखें, पहले भी आपने जागरूक रखा है, और आप लोगों की ही वजह से आज गोरखपुर बचा हुआ है। अदरवाइज आप आगरा देखें तो 250-300 केस हो गए हैं, गली गली में केस हो गया है, और मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, पूरे मुल्क में बढ़ती जा रही है। अपने यूपी में तो हॉटस्पॉट अगर देखा जाए तो आगरा बन गया ठीक था। और मैं बार बार यही कहूँगा कि इसमें एहतियात ही बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसका इलाज कुछ नहीं है, एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है। नाक मुंह ढक करके सामने वाले को अगर कोरोना है वो मास्क लगाएगा तो हम 20% बचेंगे, अगर हम भी मास्क लगाएंगे वो भी लगाएंगे तो 0.1-0.5% ही खाली हमें खतरा है, बाकी नहीं है। और जो कोरोना की तीसरी वैरायटी एक डेवलप हो गई है जिसमें बता रहे हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता और रंग फेल होना चालू हो जाता है। ये अटैक सीधे आपकी चीज़ें करता है गले पर और रंग्स पे अटैक करता है। और 5-6 दिन 10 दिन में मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, पुलिस ने भी अपनी शहादत दे दी। लुधियाना में ACP साहब मारे गए, ACP हो गए मतलब आपके CO लेवल के अफसर हो गए। इंदौर में थाना अध्यक्ष थानेदार वो मारे गए इसी 15-20 दिन के अंदर ही। वो यही कोरोना पेशेंट्स को लाने ले जाने में मदद करते थे, लंगर दिलवाते थे, और अपनी एहतियात नहीं रखा उन्होंने, वो मरे गए। तो कहना का मतलब ये है कि कोई इससे बच नहीं पा रहा। तो जाहिर सी बात है जो सेल्फ इम्यूनिटी है बॉडी में, जो आपकी ताकत है, वही आपको बचा पाएगी, तो अभी तक साइंटिस्ट ने बताया है।